नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर में असंख्य समाज पार्टी द्वारा जो है क्रिमिलियर के पक्ष में जो है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है क्रिमिलियर के लिए, SC ST क्रिमिलियर के लिए, तो उसके लिए ये लोग पक्ष में आए हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन समझेगा बेघर घुमंतू जातियों का दर्द? कुछ लोग तो सर भारत बंद कर दिया गया था उस दिन, और आप लोग जो है पक्ष में आ रहे हैं। देखिए, मैं सर्वप्रथम जो घुमंतू समाज के मसीहा थे मास्टर प्रभुदयाल जी, पंडित मास्टर प्रभुदयाल जी, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 में आजाद हुआ, लेकिन ये घुमंतू जातियां आजाद नहीं हुई। ऐसा क्यों? इनके ऊपर धर्म पेशा एक्ट लगा रहा, इनकी रात में 3 बार निगरानी होती थी, 3 बार इनकी हाजिरी होती थी। ऐसा क्यों? जब पूरा देश आजाद हो चुका था तो ये जातियां क्यों नहीं आजाद हुई? लोग कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी दलितों के मसीहा थे, क्या उनको इन जातियों के बारे में नहीं मालूम था? सांसी, कंजर, बेड़िया, बावरिया, नट, सिकलीगर, डेरा, सपेरा, कुचबंदिया, बाजीगर, कलंदर, पेरना, भोपा, चमरमगता, तेलीबदिया, पारधी, बेलपारधी, अबुड़ा, ऐसी खटीक, ऐसी कम से कम 52 जातियां हैं, 52 से और भी अधिक हो सकती है जो मेरे नॉलेज में नहीं है। उन पर जराम पैसा एक्ट लागू रहा और उनकी रात्रि में 3 बार गिनती होती थी कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, और वो लोग यदि प्रेजेंट नहीं मिलते थे उनको सजा दी जाती थी। सर, एक सवाल है, चंद्रशेखर आजाद जो है सांसद बन गए, एक मिनट प्लीज, उसके बाद बात में करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे मसीहा कहते हैं लोग कि दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, क्या बाबा साहब को इस बारे में नॉलेज नहीं था कि ये भी जातियां इस देश की नागरिक है, इनके बारे में भी कुछ बोलना चाहिए? फिर 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, और संविधान में भी लागू होने के बावजूद भी ये जातियां आजाद नहीं हुई, ऐसा क्या कारण था? मैं पूछना चाहता हूं अपने देश के मसीहाओं से, उस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्या उनको इन जातियों के बारे में नॉलेज नहीं था? हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्या उनको इन जातियों के बारे में नहीं मालूम था? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, क्या उनको इन जातियों के बारे में नॉलेज नहीं था? लेकिन हमारा संविधान लागू होने के बावजूद भी ये जातियां आजाद नहीं हुई। इन जातियों को आजादी हमारे मसीहा मास्टर प्रभुदयाल जी, जिन्होंने कसम खाई थी कि जब तक इन लोगों का जन्म पैसा खत्म नहीं होगा तब तक मैं पैरों में चप्पल नहीं पहनूंगा, और उन्होंने 31 अगस्त सन 1952 में इन जातियों का जन्म पैसा खत्म कराया। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग अपना आजादी दिवस मना रहे हैं। आज 31 अगस्त 2024 है और हम लोग इसी संदर्भ में आजादी दिवस मना रहे हैं। और जो कहा गया है क्रिमिलेयर के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है क्रिमिलेयर का, कि क्रिमिलेयर मतलब आरक्षण का फायदा उनको भी होना चाहिए, ABCD कैटेगरी बनाकर, कि जिनको आज तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उसमें विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध वो कर रहे हैं जिन्होंने आरक्षण का फायदा उठा लिया है, और जो अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे सामने से आरक्षण निकल रहा है, खसक रहा है, तो हम उन गरीबों को आरक्षण ना देने दे और वो रोटियां हम ही खाते रहे। हम इसका तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी का सम्मान करते हैं और केंद्र में जो सरकार चल रही है उसका सम्मान करते हैं। हम अवगत कराना चाहते हैं कि हम क्रिमिलेयर का सच्चे आत्माओं से समर्थन करते हैं और यह अति शीघ्र लागू होनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने बहुत समर्थन किया आपका, आपके वर्गों का, लेकिन जीतन राम मांझी को लगातार गालियां सुनाई जा रही है चंद्रशेखर आजाद के लोगों के द्वारा। ये तो सुनाई जाएगी, जब कोई गरीबों के हित की लड़ाई लड़ेगा उसको गाली ही सुनाई जाएगी, और उसको लड्डू या प्रसाद कौन देगा? उसका सम्मान कौन करेगा? उसको हार नहीं पहनाए जाएंगे, माला नहीं पहनाई जाएगी, उनको तो खाली जूते मारते हैं लोग, सच्चे इंसानों को,
और लठ मारते हैं और ये कहते हैं इसको जान से मार दो यदि मौका मिल जाए। हमें भी खतरा है कि कोई हमारे ऊपर आत्मघाती हमला ना कर दे, क्योंकि हम खुलेआम बोल रहे हैं कि हम क्रिमिनल का समर्थन करते हैं। क्या लग रहा है कि एक खास वर्ग जो है दलित समाज में बाकी सभी वर्गों का हक मार रहा है, इसका मार रहा है, इसीलिए उनको आज दर्द महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि उनको एहसास होना चाहिए एक ही समाज सारा फारा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाटव समाज में भी ऐसे गरीब लोग पड़े हैं जिनका आज तक कोई अधिकार नहीं मिला है, खाली कुछ झंडे दिखा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय गृह मंत्री महोदय जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से और माननीय चीफ जस्टिस महामहिम चीफ जस्टिस महोदय जी से कि इस क्रिमिनल कानून को अति शीघ्र लागू किया जाए, क्योंकि ये जो कानून चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी और उनकी टीम ने लागू किया है ये महादलितों के लिए बहुत ही सही है। वर्गीकरण में आप लोगों को कितना हिस्सा चाहिए? 15% जो मिल रहा है उसमें कितना हिस्सा चाहिए? देखो हमसे कहते हैं कि हमारा जितनी भी मैंने घुमंतू जातियां बताई है इनको यदि मैं कहता हूँ 5% भी दे दो हम तो उसमें भी तैयार है, लेकिन देव तो सही इनको भी जो सम्मान मिलना चाहिए। पूरे भारत के अंदर एक भी घुमंतू जाति का कोई भी सांसद नहीं है, यदि कोई है तो मुझे बताइए मैं उसकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। कितने हैं सारे 80 सांसद हैं, 80 सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं जो SC कोटे के हैं, लेकिन एक भी घुमंतू जाति का नहीं है। क्या वो जब उनको जब SC कोटे में डालकर जनसंख्या बढ़ाई गई है तो उनको क्यों नहीं उसका आरक्षण का प्रॉफिट मिल रहा है? बिल्कुल सच है, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, कोई प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा तो क्या करते हैं सर? जिस तरीके से तमाम लोग इसके जो है खिलाफ है, उनको क्या लगता है उनकी जो इससे उनकी जो राजनीति है उस पर फर्क पड़ रहा है, क्या है? वो इसलिए खिलाफ है क्योंकि उनके पास मोटा पैसा है, उनके पूरे परिवार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो सोच रहे हैं कि अब हमारा आरक्षण का फायदा कुछ नहीं मिल पाएगा तो आने वाली जनरेशन हमारी सर्विस नहीं कर पाएगी और ये गरीब हमारे बराबर हो जाएंगे। जो घुमंतू जो हमारे पीछे लगने वाले थे, जो हमारे झंडे उठाने वाले थे, जो हमारी दरी बिछाने वाले थे, वो यदि ये क्रिमिनल लागू हो गया क्रिमिनल तो इनको सम्मान मिल जाएगा और ये हमारा झंडा नहीं उठाएंगे, तो उनको ये दर्द हो रहा है। तो क्या लगता है उनको डर है इस चीज से? उनको डर है इस चीज से, तो इसका फायदा जो है जो गरीब है, जो झुग्गी झोपड़ियों में है, जो पिछड़े हैं, उनको हो रहा है, उनको प्रॉफिट होगा, उनको फायदा होगा, उनको प्रॉफिट होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जो है असंख्य समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं। सर आपका नाम? सुभाष बसैया। सुभाष बसैया जी, सब लोग कुछ जो है बहुत वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन आप लोग तो पक्ष में आए हैं। हम पक्ष में इसलिए आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमारे लिए शर्म मान्य है, हम उसको स्वीकार करते हैं। जो हमारी जातियां हैं, हम पहले भी गुलाम थे और हम आज भी गुलाम हैं। हमें अच्छी तरह कुछ ना शिक्षा मिलती है, ना हमें खाने पीने का बंदोबस्त पूरा है। हमारे कई बहुत लोग गरीब हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ना हमें नौकरियां मिलती हैं, ना कोई हमें पूछता है और ना हम ऐसे ही अपने 73 साल से गुलाम थे और हम आज गुलाम हैं। आप भी तो SC में ही आते हैं। हम SC में हैं। तो आपको जो बेनिफिट उनको मिल रहे वो बेनिफिट तो आपको भी मिलेंगे। हमें नहीं दिया गया, वो ट्रेन में जाते ये गलत उल्टे काम करती है। अरे कौन सा काम नहीं करते उल्टे, सारे काम उल्टे करते, दुनिया करने वाली हमें बदनाम कर रखा है। 1952 से हमारे में एक्ट लगा दिया उन्होंने, अंग्रेजों ने लगा था, वो चलती पानी आ रही है, तो चलती आ रही है। ये तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जो हमारी बेचारी गरीब औरतें हैं, बर्तन मांज कर गुजारा करती हैं, अपना क्या नाम है व्यवसाय करती हैं, जिसे नौकरी नहीं मिलती, ना कोई पढ़ाई लिखाई लिया वो मिलता, तो पैसा मिलता हमारे को। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी गरीब जातियाँ हैं, हमारी 70-80 जातियाँ गरीब हैं, उनको पूरा वो मिलना चाहिए थे व्यवसाय के लिए, जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उसे मिलना चाहिए, उसे मिलना चाहिए। क्या आप जो जिन जो अच्छे पदों पर बैठ गए हैं जिस तरीके से उनको अब मना कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने जिस तरीके से पढ़ाई है, हाँ जी हाँ जी, तो क्या लगता है ये ठीक है? हमारे ठीक है, जो हमें फायदा उन लोगों को मिलेगा जो
पिछड़े हैं एकदम, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन लोगों को मिलेगा, उनको मिलेगा जी। हाँ हाँ जी मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। पंकज चौधरी जी हैं जिनको हमने आज दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है असंख्य समाज पार्टी की ओर से, ये घोषणा करते हैं। ठीक है, इनको क्या अब क्या जिम्मेदारियां दे रहे हैं आप? पूरे दिल्ली की, दिल्ली की। हाँ हाँ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश। आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, आप कैसे इसका निर्वाह करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से 2025 में 70 की सीटें जीतनी हमें, और गरीबों के लिए जनता के लिए बहुत अच्छा का बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे। जो मनमानी चल रही है वो मनमानी भी खत्म करेंगे ना, गरीबों को तो कोई पूछता नहीं है, वोट के वोट मांगी काम खत्म, फिर मिलना भी नहीं है, तो वो काम खत्म करना है ना। अब हमें अगर दिल्ली जनता का हमें अगर मौका देगी तो फिर हाँ बिल्कुल नहीं, फ्री का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनके सुविधाएं और शहर के अंदर बहुत अच्छे काम करवाएंगे, फ्री का कोई मैटर नहीं है ना, झूठा लालच देते किसी को, बिल्कुल रोजगार देंगे, काम कराएंगे अच्छे।